अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? नवीद। अच्छा नवीद साहब, मुझे बताएं कारोबारी हालात कैसे हैं? कारोबारी हालात इस वक्त पोजीशन ये है कि मार्केटों में ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई है भी है तो वो आता है तो रेट सुन के ही वापस चला जाता है, क्योंकि लोगों के अपने अखराजात नहीं पूरे हो रहे। एक मिसाल है, किसी की 30,000 सैलरी है, उसके अपने घर का खर्चा 40,000 हुआ है, तो वो 10,000 कहाँ से लेगा बेचारा? वो 10,000 हर महीने कर्ज ही उसके सर पर चढ़ जा रहा है। इसलिए मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई। इतना बड़ा इछरा नाम है, एक लोअर के मिडल में है ये, तो ये चीज़ें सारी हुकूमत के ऊपर ही आती हैं, क्योंकि महंगाई जो है ना वो कंट्रोल नहीं है। आप चीनी का रेट देख लें, पेट्रोल का रेट देख लें, हर चीज़ दूर चली गई। आपके घर का सर्किट कैसे चल रहा है? बस बहुत मेहनत अभी से इस वक्त चल रहे हैं। बंदा क्या किसी का कोई बयान करे, वो हालांकि दुकानदार हूँ, पर बहुत मुनासिबत से इस वक्त कंट्रोल करके बहुत मुश्किल से इस वक्त चल रहा है मामला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? तारिक जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कारोबारी हालात कैसे चल रहे हैं इस महंगाई के दौर पे? बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ, तो महंगाई की वजह से कस्टमर जो है उसका आना बहुत कम नज़र आ रहा है हमें। तो हर बंदा जो है वो इतना अफेक्ट हुआ हुआ है महंगाई से कि यहाँ हमें तो वो रौनक नज़र नहीं आ रही पिछले कुछ महीनों से, और महंगाई की वजह से ही। तो घर का गुजर बसर कैसे होता है? ये तो देखें, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो नसीब में है वो तो देना ही है उसने, बस ये अल्लाह की आस पे ही है। अल्लाह ताला ने कहा है कि रोटी खिला के जाए, लेकिन जो उनसे फीसें वो सारे बिल वगैरह वो किसने अदा करने हैं? वो फिर जाहिर है कि घर के कुछ और अफराद भी शामिल हैं जो मिलजुल के हम सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन अकेले बंदे के लिए जो रेंट पे बैठा हुआ है उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। कि घर के बच्चों की फीसें हैं, घर का किराया है, दीगर और अखराजात हैं, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? खालिद। अच्छा सर, मुझे बताएं कारोबारी हालात कैसे हैं? कारोबारी हालात तो बेटा ऐसे हैं कि हम किराए पल्ले से दे रहे हैं। अच्छा। नुकसान पे जा रहे हैं, बिजली के बिल का जो हालात है ये देखो, जो कमा रहे हैं वो बिल दे रहे हैं, ऐसे हालात हैं हमारे। तो कितनी इनकम हो रही है कि घर का किराया, दुकान, बच्चों का, सर्किट कैसे? छोड़ दो, आजकल तो सिर्फ दुकान की इनकम निकालने वो भी बहुत बड़ी बात है। ये हालात जा रहे हैं हमारे, हमारी दुकानों के हालात ऐसे कि हम खा रहे हैं, दुकान को खा रहे हैं। सही, ये हालात है। तो कस्टमर हैं इतने? कस्टमर कहाँ से आएगा? पहले वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करेगा, बिल पूरा करेगा, तो फिर कस्टमर आएगा ना हमारे पास। वैसे तो कस्टमर कोई नहीं है बाज़ारों में, आपके हालात देखें, सन्नाटे पड़े हुए हैं बाज़ारों में। ऐसे ही है। तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से अपील तो हमारी कोई भी नहीं है, क्योंकि सुनना ही किसी ने उससे अपील किया करे, फ़ायदा ही कोई नहीं है, करना ही हमने खुद ही है। ऐसे ही है। जब से हम ये देख रहे हैं 70 सालों से हम खुद ही इंडिपेंडेंट हैं, हुकूमत से हमें किसी किस्म का नहीं तवक्को, कोई तवक्को नहीं है, आने वाले पे भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पाकिस्तान फ्यूचर में बेस्ट होगा कि और डाउन हो जाएगा? फिलहाल तो जो नज़र आ रहा है अंदर 10 साल में और डाउन होगा, डाउन हो जाएगा। जो हालात है, मैशत के हालात है हमारे, ये डाउन पे जा रहे हैं, डाउन पे जा रहे हैं, इसी वजह से 4 लाख बंदा बाहर चला गया और आगे मजीद जा रहा है। तो जो ये सहागदार हैं, शबाशी बाहर हैं, इनसे मतलब क्या आपके बयान आते हैं? देखो बेटा, ये तो एक सियासत है, अगर मैं उसका कहूँगा वो चोर है, ये आपको ज्यादा पता है। मैं ये नहीं कह रही चोर कौन है, उनको चाहिए आगे मवेशी ठीक करें कि लंदन में बैठे हैं। कर सकते, आया था वो अपनी रिकवरी की है, वो खा के चला गया, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं हो सकता मुल्क का, जब तक ये सिस्टम नहीं ठीक होगा हमारा। सिस्टम कैसे ठीक होगा? सिस्टम ठीक होगा बस बाहर से कोई आएगा, इधर से कोई सिस्टम हमें उम्मीद ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, हम यूस हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अली रज़ा। अच्छा सर, मुझे बताएं कारोबारी हालात कैसे हैं? कारोबारी हालात आपके सामने हैं कि सारे फारिग का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, सूरत आला खुद बाजार देख के आ रही है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं फारिग रह के? फारिग बैठ के मायूस ही फील करना है, कौन से गुड, अच्छा तो फील नहीं करना। तो ये कारोबारी हालात जो इतने मुतासर हुए हैं, तो सिस्टम कैसे चल रहा है? सिस्टम बहुत मुश्किल हो गया, जो स्पेशली जो कारोबारी तबका वो सबसे ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि काम ना होने के बराबर है, अखराजात वो सेम एसिड्स हैं, तो उस लिहाज में सर्वाइव बहुत मुश्किल हो गया। तो किराया, बिल, फीसें, राशन, सब कुछ कैसे मेंटेन कर रहे हैं ऐसे हालातों में भी? ये अल्लाह की ज़ात है जो कवर कर देती है, बाकी इंसान के तो हम खुद कर रहे हैं, तो ऐसे हालात बिल्कुल नहीं। वालेकुम। क्या नाम है सर? रिजवान। अच्छा सर, कारोबारी हालात से मतलब क्या कहेंगे? कारोबारी हालात इस टाइम डाउन हुए हुए हैं, हर बंदा ही परेशान है, और आपके सामने देख लें बाजार की सूरत हाल, बिल्कुल खाली बाजार लग रहा है, और क्या मामले आपके सामने ही हैं। पर आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं ऐसे महंगाई के दौर में भी? महंगाई में अगर मुस्कुराएंगे नहीं तो रोने से क्या होगा, रोना रोने से तो कुछ नहीं होता, कम से कम बंदा मुस्कुरा तो सकता है। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं उस मार्केट में जहाँ पर
दिन त्योहारों के अलावा आम दिनों पर भी खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी और यहाँ पर इतना रश होता था कि हर वक्त हर टाइम यहाँ पर आप एक जगह पे खड़े होते थे तो आप कॉर्नर पे इजीली धक्कों से पहुँच जाते थे। लेकिन इस महंगाई की वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिलों ने इस कदर आवाम को मायूस किया कि यहाँ पर दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, बहुत से लोग अपनी दुकानें छोड़ कर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ना तो कोई कस्टमर है और ना ही यहाँ पर कोई रश है। तमाम लोग इस कदर मजबूरी की हालत में परेशान हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि दो वक्त की रोटी भी खानी मुश्किल हो चुके हैं, दुकान के किराए बिल निकालने मुश्किल हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत की बेदर्दी इस कदर है कि वो अवाम पर तरस नहीं खा रही, कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही, अवाम की सहूलत के बारे में नहीं पूछ रही। उनको सिर्फ अपने मज़े का पता है, अपने चर्चों का पता है, अपने खाने पीने की फिक्र है। इसी के साथ आयशा नदीम को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।